नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। आज 2 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं पटना से दैनिक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका संबंध आपके और हमारे जीवन से काफी ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया हुआ है कि पूरे देश में IIT और NEET का परीक्षा चल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार में 40 ट्रेनें चलेंगी। राज्य सरकार ने मांग कर रखी थी कि बच्चों को सेंटरों तक पहुंचने में सुविधा हो, इसके लिए ट्रेन चलाई जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने अपने क्षेत्राधिकार में ये ट्रेनें शुरू की हैं और ये ट्रेनें 2 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच चलेंगी। वही इसी से जुड़ी ही आई खबर है कि बहुत जल्द ही अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत 100 ट्रेनों को और खोला जा सकता है और आशा ये की जा रही है कि इसमें 10 ट्रेनें जो हैं बिहार को मिलेंगी। वही अगली खबर हमने दैनिक भास्कर से ही लिया। इसमें दिया हुआ है कि CDS-2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसमें 196 जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित किए गए हैं सम्मिलित रक्षा सेवा के लिए। अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया हुआ है पटना की जो आज निचली अदालतें हैं वहां पर ओपन कोर्ट की शुरुआत हो सकती है, यानी कि जो वकील हैं वो जज के सामने पहले की तरह बहस कर सकते हैं और ऐसा जो है 2 से लेकर 22 सितंबर तक ऐसा चलेगा पटना में जितने भी निचली अदालतें हैं। अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया गया है कि गया की सभी सीमाएं सील कर दी गई है, जो भी अंतर जिला और अंतर्राज्यीय मार्ग हैं उनको सील कर दिया गया है, क्योंकि आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और ऐसे में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने पितृपक्ष मेला या किसी भी कर्मकांड पर पूरी तरह रोक लगा दिया है और श्रद्धालुओं के लिए गया को बंद कर दिया गया है। आप जो है पितृपक्ष खत्म होने के बाद ही गया का विजिट कर सकते हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में राज्य में 8 जो सड़क और पुल परियोजना है उनकी शुरू मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, उनका शिलान्यास कर सकते हैं और ये शिलान्यास होगा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से होगा और 15 से 18 हजार करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिसके बारे में नंदकिशोर यादव ने जानकारी दी। हालांकि अभी फिक्स नहीं है, लेकिन जो आशा किया जा रहा है कि 11 से 18 अक्टूबर के बीच में प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास कर सकते हैं। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया हुआ है कि दरोगा के लिए मुख्य परीक्षा, उसके लिए डेट जो है 11 अक्टूबर से नियत कर दी गई है और जितने भी अभ्यर्थी हैं लगभग 50,000 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं, उनका मेंस परीक्षा 11 अक्टूबर से होगा। वही अगली खबर एक स्पेशल स्टोरी है हिंदुस्तान की, जिसमें दिया हुआ है कि मगध से मिथिला तक जो है वो एक्सप्रेसवे बनेगा। बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए अब बातें उठनी शुरू हो गई है। 271 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा, जो कि औरंगाबाद से मधुबनी के जयनगर तक जाएगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से ही लिया। इसमें दिया हुआ है कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर, जिनका कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले कि पिछले 3 सालों से आनंद किशोर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे और इस दौरान बिहार बोर्ड ने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इनके कार्यकाल को और 3 सालों के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया हुआ है कि 16 अगस्त को ही राज्य में 4997 ग्रेड ए जो नर्स थी उनका सिलेक्शन किया गया था और तकनीकी सेवा जो आयोग है उसने जो है 67 उसमें ऐसे नर्स थे जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी था, जिसको ध्यान में रखते हुए उनको नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया। इसमें दिया हुआ है कि पटना में आपको एक जो नगर विकास और आवास विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप अपनी जल जमाव की शिकायत जो अपने क्षेत्र में वो ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। 3 सितंबर से ये ऐप जो है प्ले स्टोर पर आ जाएगा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के आनंद किशोर ने दिया और बताया कि इससे जो है आप शिकायत कर सकते हैं और तब तुरंत उसका जो है निदान किया जाएगा। वही अगली खबर जो है हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि
कोरोना काल में जहां रोजगार कम होते जा रहे हैं, लोगों की नौकरियां छिनते जा रही है, वही पटना का IIT जो है वहां पर 83.51% प्लेसमेंट हुआ है। और ये आपको बताते चले कि इस कोरोना महामारी के दौर में पिछले साल की तुलना में लगभग 12% अधिक जो है सिलेक्शन प्लेसमेंट हुआ है इसका। और सबसे अधिक बताते चले आपको बीटेक में जितने छात्र जो हैं, जो अभी पढ़ाई करके पास आउट हुए हैं, उनमें 94.35% जो छात्र हैं उनका प्लेसमेंट हो चुका है। तो वही अब दो सत्र जो 2020-21 के लिए है उसके लिए भी प्लेसमेंट की शुरुआत होने वाली है। तो ये थी पटना से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे पेज HS बिहार को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ इस खबर बनाने में हमारे सहयोगी अमन सिंह साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद।